Hi dosto, welcome to blue pen blue marker. So this time let's differentiate between these two symbols. Two symbols are like this belongs to and is subset of. It's from class 11th mathematics. So look, if I take an example, if A is an element 1 2 3 4 5 6, take an example. We see that jitni bhi elements hain 1 2 3, ye pura ka pura set jo hai wo ek element hai. Hum yahan bolenge 1 2 belongs to A. ye jo 1 aur 2 hai wo A mein belong karta hai, karta nahi karta? 1 aur 2 jo hai wo A mein belong karta hai. 1 and 2 belongs to A. But if we write 1 2 is a subset of A. हम जानते हैं ना कि जब किसी भी एलिमेंट को यहाँ से लेकर के हम अगर करली ब्रैकेट लगा देते हैं, मींस वो अलग सेट बना लेता है, तो वो उस पूरे सेट का एक सबसेट कहलाता है ना? तो ये जो है, ये जो वन एंड टू है, दोनों मिलकर के अलग से अपना ब्रैकेट बना लिया, अलग से एक सेट बना लिया, और ये सेट यहीं से निकला, तो हम बोलेंगे ये जो छोटा सेट है इस ए का क्या है? सबसेट है. अब यहाँ याद रखने वाली बात ये है दोस्तों, जो कॉमा 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 से अलग होता है ना, वो एलिमेंट्स होता है. तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी कॉमा 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 से अलग है वो एलिमेंट्स है. लेकिन हमको यहाँ देखिए, ये पूरा पूरा जो सेट है वो कॉमा से अंदर अलग है, बट एज ए होल ये जो पूरा सेट है वो इसका एलिमेंट है. इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है. ये पूरा का पूरा सेट जो है वो इस ए में मौजूद है, मीन्स उसका एक एलिमेंट है. तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे 4 5. जो 4 5 है ये बिलोंग करता है ए में. ध्यान दीजिएगा, ये बिलोंग कर रहा है ए में. और कोई एलिमेंट जब यहाँ मौजूद है कॉमा कॉमा से अलग है, तो ये यहाँ बिलोंग करता है, इसका सदस्य है वो, इसका मेंबर है. लेकिन इसी में, बट अगर मैं इसी में 4 5 में ही अगर मैं डबल लगा दूँ इसे, अगर मैं डबल लगा दूं, तब बोलेंगे हाँ ये जो है ये ए का क्या है? सबसेट है. कहानी पकड़ में? सबसेट कैसे होता है? सबसेट में और आपको एलिमेंट में क्या फर्क है? एलिमेंट ही सबसेट होता है जब वो अपना एलिमेंट ही सबसेट होता है जब वो अपना कर्ली ब्रैकेट से अपना अलग सेट बना ले, तब हम बोलेंगे कि वो जो सेट बन गया वो सबसेट है. लेकिन अगर जैसे कॉमा कॉमा सिर्फ 3 को लिख दें, हमने 3 लिख दिया, सिर्फ ओनली 3 जो कॉमा कॉमा से, तो वो हमारा क्या होगा? ये बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है. 3 क्या कर रहा? 3 बिलोंग कर रहा है. लेकिन यही अगर मैं 3 में अगर ऐसे लगा दूँ तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ ए. ये कहानी आपको पकड़ में आ गई अच्छी तरह से? यही बहुत बार कंफ्यूजन पैदा करता है कि कौन सा सबसेट होगा, कौन सा सेट होगा. और ये तो हम जान ही चुके हैं दोस्तों कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट्स का जो संख्या होता है, नंबर होता है, 2 to the power n होता है. उतना हम लोग निकाल चुके हैं. हम सबसेट्स कितने होते हैं वो भी निकाल चुके हैं. हम एक्सप्लेनेशन पहले हम लोग फाई लेते हैं, फिर सिंगल लेते हैं, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, 4 4, 5 5, इस तरह से हम लोग लेते चलते हैं. जितना उसमें एलिमेंट होता है हम उसका जोड़ा लगाते चले जाते हैं. पहले कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, फिर 1 1 का सेट लेते हैं, फिर 2 2 एलिमेंट्स का सेट लेते हैं, फिर 3 3 एलिमेंट्स का सेट लेते हैं, फिर 4 4, इस तरह से बढ़ता चला जाता है. तो हम लोगों को नंबर ऑफ सबसेट्स भी पता है, हमको सबसेट्स निकालना भी आता है, पर डिफ्रेंशिएट करना ही हमको नहीं आता था, जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. आपको मामला क्लियर हो गया कि किस तरह से एलिमेंट्स कॉमा कॉमा से अगर वो अलग होते हैं तो वो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वही कॉमा कॉमा वाले को अलग से लेकर के जितना भी ले लें, सिंगल लें, अकेले लें, सबको ले लें, अगर हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो हमारा एक सबसेट बन जाएगा. तो चलिए, सबसेट में और आपको ये जो बिलोंग्स टू में है, जो सदस्य में है, वो आपको अंतर का पता चल गया होगा. क्लियर है ना ये बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों. अब रही बात, अगर मैं यहां बोलूं 1 3 6, अगर इसमें ब्रैकेट लगा नहीं हो तो हम बोलेंगे ये बिलोंग कर रहा है. क्लियर है ना? 1 3 6, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा. होगा नहीं होगा? क्लियर है मामला? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है.
चलिए अब हम एक चीज बात कर लेते हैं। जब हमको सारे के सारा किसी भी सेट का सारा अगर हमको वो निकालना आ जाए, क्या निकालना आ जाए, सबसेट निकालना आ जाए, तब हमारा एक चीज का कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट इसको हम लोग पीए से दिखाते हैं दोस्तों। पीए अगर ए कोई सेट है तो पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो पावर सेट है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। क्लियर है, ये जो पावर सेट है दोस्तों, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का जो सेट बनता है हम उसी को बोलते हैं पावर सेट। क्लियर है ना। चल तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से हमको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हमने ए ले लिया, हमने यहां ले लिया पी और क्यू ले लिया। क्लियर है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ये जाएंगे 2 पावर 2 मीन्स 4। तो सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स आर सबसे पहले होगा 5, होता ही है, पी अलग से घर बनेगा, क्यू सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल पी क्यू, ये बन गए हमारे सबसेट्स। सो पावर सेट ऑफ ए, ये जो पावर सेट होगा वो एक सेट होगा, किसका सेट होगा, ये सारे के सारे सबसेट का। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 पी क्यू एंड देन पी क्यू, ये हमारा हो गया पावर सेट ऑफ ए। मीन्स जितने भी हमको सबसेट्स मिले थे सबको मैंने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो वो जो सेट मिला ये हमारा कहलाया क्या, पावर सेट। क्लियर है। अब एक बात बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों, बहुत ध्यान से, पावर सेट ये चूंकि कोमा 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 से क्या अलग है, सेपरेट किया हुआ है, तो ये जितने भी यहाँ है सारे इसके पावर सेट के एलिमेंट हैं, पावर सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन ये खुद जो ए का क्या है वो सबसेट है, चूंकि सबसेट से ही बना ना पावर सेट, तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पावर सेट में हैं, वो ए का सबसेट है। ये कहानी हमको पकड़ में आ जानी चाहिए। देखिए अगर मैं कहूँ कि अगर पी, ये पी है, पी क्या कर रहा, बिलोंग कर रहा पावर सेट ऑफ ए में, नहीं, ये P जो है पावर सेट ऑफ A में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P है वो A का क्या है, सबसेट है। पकड़ में बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये कहानी पूरी हमारे सामने आती है। देखिए दोस्तों, अगर हम ले लें इफ x belongs to power set of A, अगर कोई एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ A में बिलोंग करता है A के पावर सेट में बिलोंग करता है, ये जो बिलोंग कर रहा है वो क्या, A का क्या है, सबसेट है, तभी तो पावर सेट बना ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो A का सबसेट है। ये मामला क्लियर हुआ, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपका होता है पावर सेट का डेफिनेशन, कि अगर x इज द सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। अगर x A का सबसेट है तो पावर सेट में बिलोंग करेगा, या x, क्लियर है ना, ये मामला एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दूसरी क्या है दोस्तों, कि ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ A, ये पावर सेट ऑफ A का जो ऑर्डर है या नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A, ये कितना होगा, ये वही होगा 2 पावर n, क्यों होगा n, चूंकि नंबर ऑफ सबसेट ही तो है ना, पावर सेट ऑफ A में टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो मौजूद रहेगा ना, तो सबसेट की संख्या हम जानते हैं 2 to the power कितना होता है n क्या है, इसे यहां मान लेते हैं, यहां इसमें दो एलिमेंट हैं, तो सबसेट कितने हो गए, 4।
तो यही तो पावर सेट की, पावर सेट के क्या बोलते हैं एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 पर यही तो है, यही तो है, कहानी पकड़ में आ गई। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होता है, 2 to the power n, पकड़ में आ गई सर। तो यही है, यही है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये हमारा हो गया पावर सेट ऑफ ए। और यही हमने जान लिया सबसेट, सबसेट हम लोग पढ़ चुके हैं सबसेट किस तरह से बिलोंग स्टोर और इसमें सबसेट में क्या फ़र्क है, कोमा कोमा से अगर अलग है वो कोई एलिमेंट तो वो एलिमेंट है, उसी को अगर करली ब्रैकेट में डाल दे तो वो हमारा सबसेट हो जाता है। फिर सबसेट जब हमको निकालना आता है तो वहाँ कॉन्सेप्ट आता है पावर सेट का, और जब हमको पावर सेट भी निकालना आता है तो नंबर ऑफ पावर सेट या ऑर्डर ऑफ पावर सेट भी हमको निकालना आ जाता है। एक और बात है दोस्तों जो हमको यहाँ जान लेना ज़रूरी है, वो होता है क्या है पॉइंट नंबर 3 में, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वत्रिक समुच। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट हमको जानना पड़ेगा। देखिए अगर अंडर कंसिडरेशन कोई हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर 4-5 सेट हमको दिया हुआ है छोटा छोटा और उसका एक बड़ा सा सेट दिया हुआ है सुपर सेट, तो वही सुपर सेट इन अंडर कंसिडरेशन जो भी है 4-5 जितने भी सेट्स हैं सारे सेट्स का वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मामला क्लियर है, हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अगर हमको ए दिया हुआ है, हमको 1-2 दिया हुआ है, ओके, हमको बी दिया हुआ है 1-6, ओके, हमको सी दिया हुआ है 1-2-3, क्लियर है, और हमको डी दिया हुआ है 2-4-5, कितना दिया हुआ है 2-4-5। अब अगर मैं कोई ई मानता हूँ, हम ई यूनिवर्सल सेट को ई से लिख सकते, ओमेगा से लिख सकते, एक्स से लिख सकते, जाई से लिख सकते, ओके, और यू से भी लिख सकते, सिंबल है इस तरह से लिख सकते, तो कोई ऐसा हमको सेट लेना पड़ेगा जो इन सब का सुपर सेट हो, इन सब का सुपर सेट हो, तभी वो सुपर सेट इन सारे सेट्स का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है दोस्तों, पूरी पकड़ में आ रही है। तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए हम लोग एक्स ही मान लेते हैं, अगर हम लोग 1-2-3 से लेकर अगर मैं 10 तक ले लूँ, तो यहाँ इस सेट में क्या सारे के सारे सेट नहीं आ गए, 1-2 भी इसका सबसेट, 1-6 भी इसका सबसेट, 1-2-3 भी इसका सबसेट, 2-4-5 भी इसका सबसेट, मीन्स सारे के सारे जितने भी यहाँ सेट्स हैं इसका सबसेट है, अर्थात ये जितने भी यहाँ सेट्स हैं सबका सुपर सेट ये है। तो इस केस में बोलेंगे ये जो एक्स है वह 1-10 ये इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट है। पकड़ में आ गई, तो यही है दोस्तों यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये अगर बातें ये आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो, पावर सेट की कहानी है, पावर सेट कैसा होता है, अगर एक्स बिलोंग करेगा यहाँ तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और किसी भी सेट में जो कोमा कोमा से अलग होता है वो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को अगर करली ब्रैकेट से अगर हम अलग कर दें तो वो होता है सबसेट। तो सबसेट और ये जो चिन्ह है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो चीज़ हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया। चलिए कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो आप तो ये आपके लाइक्स बताएंगे, तो आप हमें अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, और बहुत ही जल्दी हम इसी सेट से संबंधित कोई नया चीज़ लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय।